मैं नील और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल स्काई में। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया किसी भी चीज़ को, मतलब उस ऑर्डर का कैंसिल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा आपके फ्लिपकार्ट ऐप पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा आपको ऑर्डर पर, ठीक है। हम जाएंगे माई ऑर्डर पर जाने के बाद अब ये देखिए आपको उस चीज़ को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है, जिसको ऑर्डर किया था। उसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन है कैंसिल नाम का, ठीक है, आपको कैंसिल पे जाना है। कैंसिल पे जाने के बाद देखिए कुछ ऑप्शन आएगा इस तरह, रिटर्न ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। आप किस लिए इस रिटर्न को, मतलब इस प्रोडक्ट को कैंसिल करना चाहते हो, कोई भी एक रीज़न देना पड़ेगा या सब दे दीजिएगा कोई भी एक, ठीक है। ऑर्डर प्लेस बाय मिस्टेक दे देते हम, ठीक है, मिस्टेक से ऑर्डर हो गया था। कॉमेंट ऑप्शनल दे देते हैं, कॉमेंट आप कोई भी दे दीजिएगा, ठीक है, कोई भी कॉमेंट दे दीजिएगा। और देने के बाद आप यहाँ पर सही कमेंट नहीं दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे करना है। उसके बाद ये देखिए आपका जो रिक्वेस्ट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो शायद ये वीडियो आपको सबका अच्छा लगे होंगे, अगर अच्छा लगे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।